कार्तिकेय के कैलाश लौटने पर जब उन्हें उनके छोटे भ्राता गजानन के बारे में पता चलता है तो वे कुछ असहज सा अनुभव करते हैं। उधर सिंदूरा के पुनः पाताल लौटने पर सिंघिका अपने प्राण बचाने के उपाय के रूप में उसे गजानन को मृत्यु देने वाली असुरी जिम्रा के बारे में बताती है। अब आगे भ्राता गजानन, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है, मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे, अरे गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है, नीचे उतर जाओ। आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। रुक जाओ गजानन। आहा, इन पे आरूढ़ होकर मैं पूरे आकाश का भ्रमण करूंगा, बहुत आनंद आएगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भैया। किंतु ये ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे ये तो अपना संतुलन खो रहे हैं। भैया उचित कह रहे थे, मुझे इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे अरे, तो ये और ऊपर क्यों उड़े जा रहे हैं? रुको गजानन। इनका वेग अत्यंत तीव्र है, उसे कैसे नियंत्रित करूं? ढील दो गजानन, ढील दो। गजानन! वो राक्षसी है जिम्भा। जिम्भा कदना कीजिए, सोचिए असुर सम्राट, सोचिए। यदि उस काल को ढला है विष की एक बूंद उस बालक के उदर में पहुंच गई तो जिम्भा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे संभालूं इन्हें और कैसे नीचे उतारूं? भैया जो कह रहे हैं वो भी मैं उचित प्रकार से सुन नहीं पा रहा। गजानन रुको गजानन, मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत, ढील दो। प्रतीत होता है गजानन मुझे सुन नहीं पा रहा है, किंतु कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाएं। अरे सामने तो घाटी है। अरे मेरा वाहन तो गजानन के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा है, कैसे रोकूं उसे? पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंदूरा आदेश देता है, जहां भी है जिम्भा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहां भी है जिम्भा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जल में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहाँ भी है जिम्भा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। सूर सम्राट सिंदूरा,
राक्षस, वो जहाँ जाती है वहाँ की वायु भी विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। सत्य कहा था बुढ़िया सिंगिका ने, भयंकर है ये जिम्भा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जिम्भा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। मैंने आपको चेतावनी दी थी किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। विश्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो, और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जिम्भा आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए, मूर्खता थी मेरी जो इस महामूर्ख को जिम्भा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए। ये विषाक्त धूम्र उंगलियां तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जिम्भा का, आश्चर्य है। मेरी श्वास क्यों बाधित हो रही है? जिम्भा करे प्रहार तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। जिम्भा करे प्रहार तो होता है संहार। इससे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा ये घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊँ तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। Thank you.
मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? इसकी बात तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको, गजानन मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम, डोर को खींचो मत। गजानन भैया, जैसे कि कोई विस्फोट हुआ। मेरी सांस क्यों अटक रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार, किंतु अब तक तो मैंने तुम पर अपने विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्रा, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें, विष में अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो। ये क्या हुआ? इसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया। गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही है कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है, मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। नहीं माँ, दोष मेरा नहीं गजानन का था।
वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिके, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो ना के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन, 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 यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है। गजानन ये, गजानन वो, न समझ क्या माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना, मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, माता पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर निछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो। कार्तिके, मैंने तुमसे भोजन करने के चलने के लिए कहा, चलो। अरे मामू जी नहीं खिलाएंगी, भैया को खिलाएंगी भोजन, भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का संहार, यह है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, चिम्बा किसी के आदेश का पालन नहीं करती, चिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं। असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ, सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा, तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट, चिंता करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संगार।
तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। चिंबा दीदी यही है, कहीं से मुझे देख लिया तो उन्हें अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं अभी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जिम्बा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी?